नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राजस्व देने वाला विभाग की दुर्दशा ये है कि उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग के कैडर स्ट्रक्चर के लिए 59 लाख रुपये का भुगतान किया गया था और उसकी स्टेशनरी में 35 लाख रुपया खर्च हुआ और शासन में बैठे उच्च अधिकारी उसको दरकिनार करके उस रिपोर्ट को आज अपनी मनमानी तौर से और कर मफियाओं से मिलकर साठगांठ करके टुकड़ों में प्रस्ताव सरकार के सामने पेश करना चाहते हैं, जिससे सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को उध्वस्त करना चाहते हैं। ऐसे में जो शासन में बैठे अधिकारी हैं उनको तत्काल हटाए जाने की मांग करते हैं। कैडर पुनर्गठन को विभाग में लागू करना चाहते हैं, इसको इस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि IIM जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, जो प्रस्ताव सुझाया है, उसके अतिरिक्त हम लोग अन्य किसी भी प्रकार के कैडर पुनर्गठन को अपने विभाग में लागू नहीं होने देंगे। राजस्व हित में, राजकीय हित में हम लोग हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे हैं, परंतु जिस प्रकार वर्तमान इस मौके द्वारा टुकड़े टुकड़े में और अनावश्यक विभागीय संरचना को में परिवर्तन किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध होगा और आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, जिसमें SS महोदय की कार्यप्रणाली से जो हम लोग क्षुब्ध हैं इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को यह तथ्य संज्ञान में चलाया जाए। सर, इस संदर्भ में इससे पहले भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया? इस संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी ज्ञापन दिया है और ये सारी बातें वहाँ उनके संज्ञान में। क्या किसी तरीके का कार्य बहिष्कार या आंदोलन भी? अभी तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो भी होगा लोकतंत्र में जा रहे थे, अभी हम लोग को यही है कि मनमानी अपना मनमानी रवैया ना अपना। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन और जैसा भी सभी संगठनों ने सभी पदाधिकारियों में आई बिल को लागू करने की मांग की है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की हाल ही कार्य एवं दायित्व अभी तक नहीं मिला। कार्य एवं दायित्व न मिलने के कारण जो पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो महत्वाकांक्षी योजना के तहत उनका जो कार्यक्रम है 25 लाख पंजीयन होना चाहिए,